हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर क्या रिजल्ट कब तक यूपी बोर्ड का आ जाएगा। जैसा कि अभी तक अपडेट आ रहा था कि 15 या 16 जुलाई को आपका रिजल्ट यहां पर घोषित किया जाएगा, लेकिन अब तक यूपी बोर्ड द्वारा कोई भी अपडेट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, आज का एक नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है और इसमें डिटेल में बताया गया है कि किस प्रोसेस से आपका रिजल्ट आएगा और कितना अब भी कितना समय लगेगा आपके रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर तैयारी पूरी, जानिए कब घोषित होंगे परिणाम। ठीक है, विस्तार में जानकारी शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट दोस्तों चैनल पर आ चुके, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और दोस्तों, 2022 का बैच शुरू होने वाला है, तो आप लोग फटाफट जो नए स्टूडेंट हैं वो 9451094356 को हमें व्हाट्सअप करके आप ग्रुप में फ्री में जुड़ सकते हैं। आपको अपना नाम इसमें फिलअप करना है और किस क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं ये कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट हैं वो आगे की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के गोपनीय विभाग की टीम रिजल्ट को क्रॉस चेक करने में जुटी है। माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के गोपनीय विभाग की टीम जो है वो रिजल्ट को क्रॉस चेक करने में जुटी, यानी कि दोस्तों इस बार जो रिजल्ट बन रहा है इसमें तो आपका पेपर एग्जाम तो नहीं हुआ है, तो ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट का बहुत काफ़ी नंबर आ जाए और किसी स्टूडेंट का बहुत कम नंबर आ जाए। इसलिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो गोपनीय विभाग की टीम है उस रिजल्ट को क्रॉस चेक कर रही, तो इस क्रॉस चेकिंग में जितना लग सकता है लग जाएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट यहां पर घोषित किया जाएगा, ताकि रिजल्ट आने के बाद किसी भी स्टूडेंट को रिजल्ट से लेकर के कोई समस्या या आपत्ति ना हो। इसके लिए यहां पर यूपी बोर्ड द्वारा अभी भी देरी की जा रही है। लेकिन यह बात करें तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर यह क्रॉस चेकिंग होती तो इससे आपका फायदा होगा कि आपको जो नियम के अनुसार ही आपको यहां पर रिजल्ट मिलेगा और इसमें कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि क्रॉस चेकिंग करने में एक वीक भी लग सकता है, लेकिन यहां पर भी एक नोटिफिकेशन निकल कर आई है कि कब तक आखिरकार कब तक यहां पर आपको रिजल्ट घोषित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर भी कहा गया है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की गोपनीय टीम रिजल्ट को क्रॉस चेक करने में जुटी है। ऐसे माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा बीते डिप्टी सीएम द्वारा किए जाने की बात अधिकारी कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने ही कहा है, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नीचे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जब आपके डॉक्टर दिनेश शर्मा से यहाँ पर बात हुई, जो कि आपके डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो कि आप जानते हैं, उनसे अगर बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, 31 जुलाई के पहले हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। यानी कि दोस्तों, अब आपका एक वीक तक भी समय लग सकता है। यानी कि उन्होंने इसके पहले बताया था इंटरव्यू में कि 15-16 जुलाई को आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब उन्होंने ही अपडेट दिया हुआ है यहाँ पर कि 31 जुलाई के पहले हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। यानी कि दोस्तों, अब आपका 20 जुलाई या 25 जुलाई के आसपास भी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन घोषित होने से पहले, रिजल्ट जारी करने से पहले आपको डेट तारीख पहले से मिल जाएगा किस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने बात समझ गए। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि किस तरीके से अपना अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो किस तरीके से आप अपना अनुक्रमांक निकाल सकते हैं, या फिर आप जिले का नाम, अपना नाम, स्कूल का कोड, अगर ये सब पता है तो भी आप अपना अनुक्रमांक यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उस वेबसाइट में थोड़ा सा क्या है कि वो आपका वेबसाइट पूरी तरीके से अपडेट नहीं, तो हो सकता है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, बट उसको 2-3 दिन पर आप चेक करते रहिएगा और सही चीज डालेंगे तो आपको आराम से आपका रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।